नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2021 के बारे में। तो यदि आप अब तक वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो वैकेंसी निकली है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली है, JNK PSC। चूँकि हर एक स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो यह जम्मू कश्मीर से वैकेंसी निकली है। यदि डेट की बात करें तो 8 सितंबर से यहाँ पे फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है और 7 अक्टूबर तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन शैल बी द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एज रिगार्ड्स एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स एंड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज विल हाउएवर बी रेकॉन्ड ऑन विथ रेफरेंस टू 1 January 2021। कैंडिडेट्स कैन एडिट सम ऑफ द फील्ड्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 11th October to 13th of October। सो यदि किसी तरीके का कोई आपसे गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता तो 11 से लेकर के 13 अक्टूबर तक फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू द कमीशन। तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है, बट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnections or inability to pay fee or failure to log in to the online application portal। यानी इन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट वगैरह भी थोड़ा सा बिजी रहने लगता है, सर्वर डाउन हो जाता है, इस वजह से आप फॉर्म को पहले ही भर लेने की कोशिश करें। अब बात करते हैं, यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें तो मैथ में यहाँ पे 5 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 2 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 15 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 है, ज्योग्राफी में 8 है, एजुकेशन में 6 है, हिंदी में 12 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 23 है, उर्दू में 15 है, इकोनॉमिक्स में 14 है, हिस्ट्री में 10 है और उसके बाद फिलॉसफी में 5 है। उसके बाद आप देखेंगे सोशियोलॉजी में 26 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है, इस्लामिक स्टडीज़ में 5 है, कॉमर्स में 3 है, सेरिकल्चर में 1 है, टूर एंड ट्रेवल में 2 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 1 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 3 है और BBA एंड MBA मैनेजमेंट में 5 है। तो टोटल 173 सीटें हैं। रिजर्वेशन जो है वहाँ के अकॉर्डिंग ही पालन किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, PWD हैं, इन सभी को 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होगा। आगे बात कर लेते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेट स्लेट सेट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR। उसके बाद है द कैंडिडेट्स हु आर और हैव बीन अवार्डेड ए PhD इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यदि आपने ये कर रखा है, मतलब PhD कर रखा है, तो उसमें चेक किया जाएगा कि आप UGC के रूल के तहत किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेट सेट स्लेट और सेट ऑल्सो भी नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेट इज़ नॉट कंडक्टेड। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें और कुछ दिया हुआ है मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एज के बारे में यहाँ पे दे रखा है एज ऑन 1 January 2021। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है जैसे OM के लिए, अदर माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे दे रखा है। OM का मतलब अनरिजर्व्ड वाले ही होंगे, ओपन मेरिट जो है यहाँ पे, यानी उस स्टेट के बाहर के लोग। यहाँ पे दे रखा है 40 और SC ST 43, PH कैंडिडेट को 42 और जो सर्विस में उनका भी 40।
रिजर्वेशन देख लीजिए, कैंडिडेट सीकिंग हर कंसिडरेशन अंडर रिजर्व कैटेगरी मस्ट इंश्योर दैट वैलिड रिक्वायर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन द कट ऑफ डेट। डोमिसाइल वगैरह देख लीजिए, कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल, द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज ऑन द लास्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद है सेंटर फॉर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड एट हेड क्वार्टर जो है वहाँ का सोलीना श्रीनगर में। फ़ी की बात करें तो 1,000 लगेगा, रिजर्व्ड का 500, पीएच का कोई फ़ी नहीं लगेगा। यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में दिया है, तो ग्रेजुएशन का 15 पॉइंट है, ग्रेजुएशन और मास्टर को मिलाकर मैक्सिमम 35 पॉइंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का 20 पॉइंट है। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड, तब 35 पॉइंट एक साथ, नहीं तो अलग अलग है फिर भी 35 पॉइंट। नेट और सेट यदि है तो 4 पॉइंट, नेट का 6 पॉइंट, नेट और सेट स्लेट है दोनों तब 6 पॉइंट, नेट प्लस जेआरएफ है तो 8, एमफिल है तो 6, पीएचडी का 15 पॉइंट है, पोस्ट डॉक है तो 3 पॉइंट, 1 साल का मिनिमम पोस्ट डॉक होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च को लेकर के है, यदि आपके पास एक है तो 0 2 नंबर, 2 नंबर मतलब मिलेगा, मैक्सिमम 8 नंबर दिया जाएगा, यानी 4 मिनिमम करवा लीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, प्रत्येक 12 क्वार्टर यानी कि प्रत्येक साल का यहाँ पे 3 पॉइंट जुड़ता चला जाएगा इस तरीके से। एनसीसी का 1 नंबर है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें और कुछ है नहीं, प्रिंट वगैरह करके इसको रख लेना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।